दोस्तों फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है और अभी बहुत सारे ऑफर्स आने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स पे और गैजेट्स पे काफ़ी अच्छे ऑफर्स आ रखे हैं। सो अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट और पर्सनल मोबाइल स्टोर्स पे भी अच्छे अच्छे ऑफर्स आने वाले हैं। अभी जैसे दशहरा है, दशहरा पे सेल आने वाली है। फ्लिपकार्ट अमेजोन ने तो अपनी अनाउंस भी कर दी है। रियलमी सैमसंग और एप्पल स्टोर पे इन पे भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रखे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अंडर 20,000 कुछ बेस्ट मोबाइल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल, आप देख रहे हैं गैजेट स्टोर 28 यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला मोबाइल मेरे पास है रियलमी 7 प्रो। ये 20,000 के ही रेंज के अंदर सबसे बेस्ट मोबाइल मुझे लगता है। काफ़ी अच्छा मोबाइल है। इसमें हमें सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिलती है। अमोल्ड पैनल इसका काफ़ी बेस्ट है और 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा के साथ क्वाड कैमरा सेटअप मिलने वाला है। कैमरा काफ़ी ज़बरदस्त है इसका। 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जिंग हमें मिलती है जो कि काफ़ी बेहतरीन है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। तो ये मोबाइल ऑल अराउंड काफ़ी अच्छा मोबाइल है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। सो इसके बाद दोस्तों सेकंड मोबाइल हमारे पास है पोको X3। इस मोबाइल की मैंने कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस और रिव्यू वीडियो कर रखी है, आप उसको ऊपर आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो को। ये मोबाइल भी काफ़ी अच्छा है, 16-17 हज़ार की रेंज में काफ़ी अच्छा मोबाइल है। दोस्तों इस पोको X3 में हमें 120 हर्ट्ज़ का रेफ्रेश रेट मिलता है जो काफ़ी अच्छा है। 5000 की बैटरी मिलती है जो काफ़ी अच्छा हमें बैटरी रिस्पॉन्स मिलने वाला है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा के साथ इसमें हमें कैमरा सेटअप मिलता है, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ऑल अराउंड ये मोबाइल काफ़ी अच्छा है, आप इसको देख सकते हैं। थर्ड मोबाइल हमारे पास अगेन Realme 7 है। ये काफ़ी अच्छा मोबाइल है। 15,000 रुपये की रेंज में अगर हमें मोबाइल लेना है तो हम काफ़ी अच्छा मोबाइल है। इस मोबाइल की मैंने कंप्लीट रिव्यू वीडियो आपको दिखा रखी है, वो भी आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मोबाइल है। इसमें मैंने कैमरा टेस्ट भी किया है, कैमरा सैम्पल्स आपको मिल जाएंगे। और इसमें हमें 90 हर्ट्ज़ की स्मूथ डिस्प्ले मिलने वाली है। क्वाड कैमरा सेटअप है, मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। 5000 की मैसी बैटरी मिलती है और 30 वाट का फास्ट चार्जिंग है और ये काफ़ी जल्दी मोबाइल चार्ज हो जाता है। काफ़ी अच्छा मोबाइल है, आप इसको खरीद सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जो 10 और 15 हज़ार रुपये की रेंज होती है, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग वाली स्टेज होती है। इसमें मोस्टली लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा मोबाइल लेना है। तो इसमें मैं आपको कुछ मोबाइल रिकमेंड करूंगा, आप वो देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी खासी बैटरी और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा Samsung Galaxy M21। एम सीरीज़ में हमें सुपर अमोल्ड डिस्प्ले मिलती है और काफ़ी अच्छी बैटरी मिलती है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ, आप इस मोबाइल को ख़रीद सकते हैं। इन सारे मोबाइल्स का लिंक दोस्तों मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप इसको परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे भी अपने वीडियोस की अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है पोको M2। ये भी काफ़ी अच्छा मोबाइल है। 10,000 रुपये की रेंज में अगर आपको कोई मोबाइल ख़रीदना है तो आप ये मोबाइल ख़रीद सकते हैं क्योंकि इसमें हमें 6 GB रैम मिल जाती है 9,999 रुपये में। मेन हाईलाइट दोस्तों इस मोबाइल की 6 GB रैम मिलेगी और 5000 की मैसी बैटरी मिलेगी। 6.53 की हमें इसमें Full HD+ डिस्प्ले मिल जाती है। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो आप ये मोबाइल भी ख़रीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 10,000 के नीचे आपको मैं मोबाइल बताता हूँ, 7-8 हज़ार रुपये की रेंज में कोई अच्छा सा मोबाइल। अभी रिसेंटली एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी पोको C3 मोबाइल की, जो काफ़ी अच्छा मोबाइल है। मैंने आपको उसके बारे में सारे दिखा दिया था, उसके कैमरा सैम्पल्स भी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। ये मोबाइल 7,999 रुपये में आपको मिल जाएगा। ओप के साथ ये हमें 7,499 रुपये में मिल जाएगा। पोको C3 भी काफ़ी अच्छा मोबाइल है। डिज़ाइन अच्छा है, प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन हमें लगभग सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। इस मोबाइल को भी कंसीडर करेंगे, अगर 7-8 हज़ार रुपये में हमें कोई मोबाइल मिलता है तो ये पोको C3 काफ़ी अच्छा मोबाइल हो सकता है, आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।